नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है सुबह के ताजा तरीन खबरों का। 19वां पश्चिमी चीन अंतर्राष्ट्रीय मेला आज से 3 जुलाई तक दक्षिण पश्चिम चीन के छंगतू शहर में आयोजित किया जा रहा है, जहां 3 साल की कोविड महामारी के बाद यह पहला बड़ा मेला होगा। और इस मेले का मुख्य विषय चीन का नया युग और पश्चिमी चीन का नया अभियान होगा। मणिपुर में अशांति के बीच पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज राज्य का दौरा करने वाले हैं, जहां वह अपनी यात्रा के दौरान राहत शिविरों का भी दौरा करेंगे और इम्फाल और चूड़ाचांदपुर में नागरिक समाज के प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्थ ईस्ट की पहली वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे। यह ट्रेन पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी से असम के गुवाहाटी के बीच चलेगी। आज गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर आ रहे हैं, जहां वे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह के घर में लखीसराय के गांधी मैदान में गरजेंगे और विपक्षी एकता पर वार करेंगे। वहीं जदयू ने इसे गृह मंत्री का पर्यटन यात्रा कहा है। बिहार की नीतीश सरकार ने बकरीद को लेकर पटना के गांधी मैदान को आम लोगों के लिए बंद करने का आदेश दिया है, जहां दोपहर 12 बजे तक गांधी मैदान में आम लोग एंट्री तक नहीं कर पाएंगे। जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मस्जिदों पर एक नोटिस चिपकाया है कि अगर कोई भी मुसलमान मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ते हुए देखे गए तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज पूरे देश में मुसलमानों का त्यौहार बकरी ईद मनाया जा रहा है, जिसको लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी सहित तमाम दिग्गज हस्तियों ने राष्ट्रवादी मुसलमानों को ईद की बधाई दी है। वहीं आज सभी बैंक और सरकारी दफ्तर भी बंद रहेंगे। कल 30 जून को पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे, जहाँ वे डिग्री के सवाल पर जवाब दे सकते हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेसी नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाई है कि अमेरिका दौरे के दौरान राहुल गांधी भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रही सुनीता विश्वनाथ से मिले थे। दलितों के हक में आवाज उठाने वाली भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद पर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर देवबंद में हमला हुआ, जिन्हें आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं हमले को लेकर चंद्रशेखर ने बताया कि मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे लोगों ने उनको पहचान लिया है। उनकी गाड़ी आगे सहारनपुर की तरफ भागी है। साथ ही चंद्रशेखर ने अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक हमारे न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज 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 लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसे ही आपका लाइक और कमेंट आता है, हमारा उत्साह बढ़ जाता है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम न्यूज के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज को लास्ट तक जरूर देखिए। एक बार फिर से दिल्ली मेट्रो से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां वायरल हो रहे वीडियो में दो लोग मेट्रो के अंदर जमकर मारपीट करते नजर आ रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो दिल्ली मेट्रो के वायलेट लाइन का बताया जा रहा है। पंजाब के सीएम भगवंत मान सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है, जहां किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग ने नरमे के बीजों की 3.23 करोड़ रुपए की सब्सिडी किसानों के खाते में भेजे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि सभी राशन डिपो में 33% आरक्षण अब से महिलाओं को मिलेगा। इसके साथ ही सीएम ने दुकान की नीलामी के बारे में भी बात कही। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विपक्षी एकता पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष ऐसी बारात है जिसमें सब दूल्हा बनना चाहते हैं। देश की जनता को पीएम मोदी के नेतृत्व पर भरोसा है, इसलिए 2024 में एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का सत्ता में आना तय है। झारखंड के बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि हमारे पड़ोस में उड़ीसा सरकार भ्रष्टाचार के आरोपियों को नौकरी से बर्खास्त कर रही है और झारखंड में एक्सीडेंटल राजकुमार भ्रष्टाचारियों पर FIR दर्ज करने को भी तैयार नहीं है।
छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और सांसद अरुण साव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा ने 15 साल क्या किया यह वे जानते हुए भी अनजान बनने की चाह रख रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता तो जानती है और मानती है कि आज भूपेश बघेल करीब 4.5 साल से जिस छत्तीसगढ़ का दोहन कर कांग्रेस का पेट पाल रहे हैं वह भाजपा ने बनाया और संवारा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश जल संरक्षण और प्रबंधन ही नहीं बल्कि कई क्षेत्रों में देश में पहले स्थान पर है। स्वच्छता में हम कुछ वर्षों से अग्रणीय हैं, यह हम सब के लिए गौरव का विषय है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि बारिश से तबाही के बाद भी शासन और प्रशासन बना हुआ है मुखदर्शक। यहां प्रभावितों को सरकार की ओर से अभी तक कोई सहायता राशि नहीं दी गई है। बाबा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा का बिगुल बज गया है। जहां 1 जुलाई से यह यात्रा शुरू हो रही है, वहीं अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू से 30 जून को ही पहला जत्था रवाना हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार के दिनहटा में फायरिंग की घटना में मारे गए व्यक्ति को सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस अपना कार्यकर्ता बता रही है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया है कि जो व्यक्ति मारा गया है वह बांग्लादेश का नागरिक है और अंतर्राष्ट्रीय अपराधी है। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने महाराष्ट्र के डीजीपी के साथ बैठक की और उन्हें यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि बकरीद के दिन गायों का सुरक्षा बढ़ाया जाए। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह बाघेला ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की और कहा कि भाजपा को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही चुनौती दे सकती है। पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर द्वारा प्रत्येक थानों से 3-3 जनपद के आरक्षियों को बुलाकर उनकी बीट बुक चेक की गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। महुआ के चरखारी विकास खंड के ग्राम जरोली में जिला अधिकारी पुलिस अधीक्षक सहित आला अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी तथा गांव में हुए विकास कार्यों तथा सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों का सत्यापन किया। दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज को लाइक और कमेंट किया है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी भी लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे रिक्वेस्ट है कि वे अभी तुरंत लाइक और कमेंट कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक कमेंट का इंतजार मैं कब से कर रहा हूं। जैसे ही आपका लाइक और कमेंट आएगा मैं उसका उत्तर भी दूंगा और आपके नाम भी बताऊंगा। कल के न्यूज में कमेंट करने वाले लोगों के नाम हैं अशोक आर्या, सुनील कुमार पाथीपाका, सत्येंद्र शाह, ईश्वर चंद सिंह, शिवाजी पटेल, ईश्वर दीन विश्वकर्मा, राजू कुमार, संतोष भटनागर, मेदीलाल मौर्या, हरिनाथ महतो, विजेंद्र सिंह, कमल कुमार वर्मा, पी एच पटेल, वशिष्ठ तिवारी, अयोध्या प्रसाद राठौर, विजेंद्र शाह, भारत सिंह गौसाई, यूजर ओपी दिलीप मिश्रा, अरविंद पासवान, नवरतन सिंह प्रेमचंद, क्षेमेंद्र पाटनी, काजल कुमार गांगली, यूजर WG, अशोक परमार, सालू सिंह, धर्मराज कनौजिया, बाबूराज खान, जोगिंदर सिंह, पुरुषोत्तम पांडे, रमेश चंद्र द्विवेदी, अशोक कुमार, बलवंत सिंह गिल, करुणा चक्रवर्ती, सतीश चौबे, शिल्पी विवेक बनर्जी, निर्मला राजदान, चंद्रजीत, बब्बन यादव, कैलाश जाट, कमल साहू, राजेंद्र सिंह, बंटी हजारिका, अंसारी रसीद, परवीन कलिता, मोहम्मद कबीर मजहर, विजय सिंह बैरवा, विजय सक्सेना, अरुण डांग, कसम अली, पिन पात्रा, तासी नामगिल, सत्येंद्र शाह, रक्षा आर्या, डीके पाठक, पुरुषोत्तम, दिनेश कुमार, रामवतार सैफी, धर्मेंद्र सिंह, सुल्तान अंसारी, दिनेश कुमार, यूजर WCRJ, ब्रजेश मिश्रा, आराधना आहूजा, वानु सिंह चौहान, जितेंद्र सैनी, निधि नाथ पांडे, सुनील कुमार, सिद्धि चंद्र शर्मा, यूजर JE, SN त्रिपाठी, मालचान, विंध्याचल राम और प्रहलाद पंडित। तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।